स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दो आप देख रहे हैं कॉकटेल, इसमें एक बच्चा है और एक बड़ा, यानी एक यंग एक एडल्ट। तो पहले मैं आपको यंग दिखाता हूँ, तो यंग और एडल्ट में क्या फ़र्क है ये देखिए। ये मैंने यंग को पकड़ा है, ये तकरीबन ये 3 माह का है। ये देखें इसके सरों पे आप डॉट देख रहे हैं, ये दौड़ निशानी है कि ये अभी बच्चा है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तकरीबन 8-6 महीने के बाद ये कलियाँ गिराना शुरू कर देता है, और तकरीबन ये साल बाद ये अपना मुंह भी साफ़ कर लेगा यहाँ से पूरा, और इसकी कलियाँ भी जो है ना साफ़ हो जाएंगी। मैं आप दोस्तों अभी ये मैं एडल्ट को पकड़ के आपको दिखाता हूँ, ये एडल्ट है, ये देखें इसका चेहरा भी साफ है। तकरीबन इसकी उम्र तकरीबन 11-12 महीने हो गए, तकरीबन साल का तकरीबन ये हो गया, और इसके ये पर देखें आप, तकरीबन इसकी कलियां साफ़ हो गई हैं और चंद एक कलियां बाकी बची हैं जिसमें डॉट है, ये भी साफ़ कर लेगा। ये तकरीबन ये साल का होने वाला है, और ये बिल्कुल तैयार है और ब्रीड के लिए, और इसके हम पेयर बनाएंगे अब। तो दोस्तों ये यंग और एडल्ट का आपको फ़र्क मैंने बताया है, और तकरीबन ये तकरीबन 6 महीने के बाद कलियां गिराना शुरू करता है और चेहरा साफ़ करना शुरू कर देता है। और तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया यंग और एडल्ट का फ़र्क।